चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भर न उरग भर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार मन बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे कलेश विकार। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निक। और आप सब कैसे हैं? तो गाइस कल रात की स्टोरी बताती हूँ, मतलब हुआ क्या। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके बाद मेरा दिमाग ने मतलब ऊट पटांग से हरकतें शुरू कर दी। मतलब सोच रहे ना, अजीब अजीब से क्रिएचर का फेस भी आ रहा था, वो तो अलग। मतलब ऐसे क्रिएचर्स मतलब टीवी में भी नहीं देखे होंगे। मतलब नहीं, अपना ब्रेन कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो वही, पता नहीं आवाज़ आ रही है, इसको हटाती हूँ। ओके, तो क्या हुआ? आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं कल जाऊंगी कल सुबह और मैं कल आज मतलब सोच रही थी कि मतलब आता ना अंधेरे में आऊँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं पर लेट जाता है फिर, है ना। तो मैंने सोचा बहुत अंधेरे में जाते, फिर मैंने सोचा यार अंधेरे में तो जाती हूँ मैं, अगर मेरे को भूत मिल गया लाइक दैट। और फिर मतलब अजीब अजीब से फिर वही तो होते हैं ना कि मेरी इमेजिनेशन स्टार्ट हो गई, तो बहुत लेट हो गया सोते सोते। ये क्या कर रहा है? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये मेरे पास क्या करने आया, भगवान ही जाने। अरे मुझे सजनों के लिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बाय 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 बाय। मेरे लाइफ का सबसे डिसएडवांटेज वाला चीज पता है, इतनी नाइट्स ना सो के भी ना आईज पे ना कुछ नहीं दिखता, मतलब किसी को समझ में नहीं आता बाहर से। अभी तो मॉर्निंग में थोड़ा लग भी रहा होगा, थोड़ी देर बाद ना कुछ नहीं लगेगा। मैं अगर चार दिन भी ना सोऊँ ना तो कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हो सकता है कि मैं जब अपनी मम्मी को कहती हूँ कि मेरे को नींद नहीं आती, मतलब ज़्यादा कहती भी नहीं हूँ क्योंकि उनका रिप्लाई कुछ होता ही नहीं, न्यूट्रल बिहेव करते हैं वो। सो हाँ, समटाइम्स मैंने सोचा, बहुत बार सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना स्लीपिंग पिल्स ट्राई करूँ ये वो। मतलब मंगाने का भी काफ़ी बार सोचा, एक बार तो मिली नहीं थी, मतलब पूरा पक्का मैंने ऐसा सोच लिया। बट उसका प्रॉब्लम पता है क्या होगा? सपोज दैट किसी दिन उठना होगा बहुत जल्दी, या फिर हो सकता है कि मेरे को कोई उठाए और मैं उठूँ ना, तो वही पेरेंट्स थोड़े से वरीड हो जाएंगे और मे बी उसके बाद मुझे मेरे 6-7 पड़ेंगे ना वो अलग। सो वही तो मतलब वो चीज़ भी ट्राई नहीं कर सकते ना, क्या कर सकते हैं, लाइफ ही ऐसी है। बैक टू होम, अभी थोड़ी सी साफ सफाई करेंगे। आफ्टर दैट मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि पूरी बॉडी में ना मसल स्पाज्म हो गया। को ना लिख लिया है, मतलब वही रिवाइज करने के लिए, तो मैंने एक ही में सारी लिख ली है जिससे कि इजीली होगा कि मेरे को ढूंढना अगर मैं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ तो। एक बार ये पूरा पेपर मतलब पूरा नहीं हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन तक कर लिया है मैंने, कुछ रिएक्शंस अभी रह गए हैं उसको भी करना है। Guys, it's all for today. If you like the video, then like, share, subscribe. Bye-bye.